पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। राफेल पहले से ही था दुश्मनों का काल, देखते ही अब दुश्मनों के हो जाएंगे और हाल बेहाल। खबर राफेल से जुड़ी है कि उसकी ताकत और बढ़ चुकी है। दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम कहे जाने वाले राफेल की ताकत में बम्पर इजाफा होने वाला है, क्योंकि अब इस लड़ाकू विमान के लिए फ्रांसीसी एयरफोर्स इससे क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके बाद राफेल की क्षमता दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में फ्रांस ने राफेल से परमाणु मिसाइलों को दागने का अभ्यास भी पूरा कर लिया है। और ये दुनिया जानती है कि मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मनों को भेदने में सक्षम है। इसे देखते हुए फ्रांस और भारत के दुश्मन सख्ते में आ गए हैं। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि फ्रांस की हथियार कंपनी एमबीडीए की न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण 9 दिसंबर 2020 को किया गया था। उस वक्त राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट और एमबीडीए के अधिकारी वहां मौजूद थे। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने आगे बताया कि राफेल से लॉन्च की गई मिसाइलों ने बड़ी सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदा है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में इस मिसाइल्स के और भी कुछ परीक्षण किए जाएंगे। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस और भारत की इस तैयारी से तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के तो कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तेल और गैस की खोज को लेकर हुए तनाव में फ्रांस और तुर्की एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। वही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कई बार फ्रांस को युद्ध की धमकी भी दी है। इसे लेकर फ्रांस अपनी फाइटर जेट को और भी खतरनाक बना रहा है। खास बात यह है कि इलाका कैसा भी हो, यह फाइटर जेट अपना टारगेट ढूंढ ही लेता है। इसे कम ऊंचाई और पहाड़ी वाले इलाकों में अपना शिकार ढूंढने में महारत हासिल है। इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इसकी तैनाती का बेसब्री से भारत में भी इंतजार रहा है। तो वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पहले ही कहा था कि सभी 36 लड़ाकू विमान साल 2023 तक भारत आ जाएंगे। फ्रांस ने 10 राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए हैं, जिसमें से 5 अभी फ्रांस में ही हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के पायलटों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय पायलटों को मार्च 2021 तक प्रशिक्षण पूरा होने की संभावना है। तो वहीं मेक इन इंडिया के तहत भारत को रक्षा क्षेत्र में फ्रांस से बड़ा ऑफर मिला है। फ्रांस ने भारत में पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश की है। फ्रांस भारत में पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% और राफेल जेट्स की 70% असेंबलिंग करना चाहता है। फ्रांस ने भारत को असेंबली लाइन के अलावा तकनीक देने की भी पेशकश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।